हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, और अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद अपने लोकप्रिय शिकागो धर्म सम्मेलन के भाषण के बाद वापस भारत आ गए। अब उनकी चर्चा विश्व के हर देश में हो रही थी, सब लोग उन्हें जाने लगे थे। स्वामी जी भारत में वापस आकर अपने स्वभाव के अनुरूप भ्रमण कर रहे थे। इस समय वे हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे थे। एक दिन वो घूमते घूमते एक नदी के किनारे आ गए। उन्होंने वहाँ देखा कि एक नाव है, पर वह किनारा छोड़ चुकी है। तब वे नाव के पास आने के इंतजार में वहीं किनारे पर बैठ गए। एक साधु वहाँ से गुजर रहा था। साधु ने स्वामी जी को वहाँ अकेले बैठे देखा तो स्वामी जी के पास गया और उनसे पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? स्वामी जी ने जवाब दिया, मैं यहाँ नाव का इंतजार कर रहा हूँ। साधु ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? स्वामी जी ने कहा, मैं विवेकानंद हूँ। साधु ने स्वामी जी का नाम सुनते ही उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा तो तुम वो विश्वविख्यात विवेकानंद हो जिसको लगता है कि विदेश में जाकर भाषण देने से तुम बहुत बड़े साधु महात्मा बन सकते हो? स्वामी जी ने साधु को कोई जवाब नहीं दिया। फिर साधु ने बहुत ही घमंड के साथ नदी के पानी के ऊपर चलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। कुछ दूर चलने के बाद साधु ने स्वामी जी से कहा, क्या तुम मेरी तरह पानी पर पैदल चलकर इस नदी को पार कर सकते हो? स्वामी जी ने बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ साधु से कहा, इस बात में कोई शक नहीं कि आपके पास बहुत ही अद्भुत शक्ति है, लेकिन क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि आपको यह असाधारण शक्ति प्राप्त करने में कितना समय लगा? बहुत ही अभिमान के साथ साधु ने जवाब दिया, यह बहुत ही कठिन कार्य था। मैंने 20 सालों की कठिन तपस्या और साधना के बाद यह महान शक्ति प्राप्त की है। साधु का यह बताने का अंदाज बहुत ही अहंकार भरा था। यह देखकर स्वामी जी बहुत ही शांत स्वर में बोले, आपने अपनी ज़िंदगी के 20 साल ऐसी विद्या को सीखने में बर्बाद कर दिए जो काम एक नाव 5 मिनट में कर सकती है। आप ये 20 साल निर्धन बेसहारा गरीबों की सेवा में लगा सकते थे, या अपने ज्ञान और शक्ति का प्रयोग देश और देशवासियों की प्रगति में लगा सकते थे, परंतु आपने अपने 20 साल सिर्फ 5 मिनट बचाने के लिए व्यर्थ कर दिए। ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। साधु सिर झुकाए खड़े रह गए और स्वामी जी नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पहुंच गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इस प्रकार ज्ञान और शक्ति का सही प्रयोग आवश्यक होता है। किसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए यदि हम उस पर घमंड करते हैं तो यह हमारी मूर्खता है। शक्ति का सही जगह पर ही इस्तेमाल करना उसकी वास्तविकता और बुद्धिमानी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी और कहानी के बारे में भी हमें कमेंट में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल वाला बटन ज़रूर दबाएँ ताकि हम ऐसी कोई और वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।